तो क्या हाल चाल है मेरे बीजे भाई और पबजी वाले भाइयों। अब उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो भाई स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में अपन IQ96 के 90 FPS टेस्ट करने वाले हैं अभी बूट कैंप सैनोक में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना भाई। मूवमेंट भी अच्छे हैं, इंटेंस मूवमेंट है, क्लचेस भी है, और भाई जो एंड में मूवमेंट है ना वो आपको देख के तो मज़ा ही आ देगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑल कर लो और जल्दी से भाई लाइक कर दो। आप YouTube सर्च या रिकमेंडेशन चाहिए हो तो भाई आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑल कर दो और लाइक भी कर देना। तो चलो भाई अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और एंड तक जरूर देखना। भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने 10K करा दिया है उसके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई अब आपको पता ही होगा अच्छे से अच्छा फ़ोन कोई ना हो एंड्रॉयड का हक देता है भाई बूट कैम में, जहाँ तक कि 15 से 20 करोड़ एक ही बार में आ जाती है बूट कैम में। तो देखते हैं IQ96 का क्या हाल रहता है 90 FPS में, कि यह हकता है या फिर बचा देता है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं ई स्पोर्ट्स मोड ऑन करके खेल रहा था एंड इगलाई मोड ऑन था, स्मूथ 90 FPS सेटिंग करी हुई थी। और तो और इसमें गेमर में अल्ट्रा गेमर मोड में जो हाई गेमर मोड होते हैं ना मॉन्स्टर मोड वो ऑन करा हुआ था, उससे परफॉर्मेंस और बढ़िया देखने को मिल जाती है मेरे को। तो अब बूट कैंप में जैसे ही मैं आ चुका हूँ, या पीछे स्कोर देख लो भाई, कम से कम 15 से 20 स्कोर आ रही होगी। मैं भाई अब देख लो कितनी सारी स्कोर है, चारों तरफ स्कोर ही स्कोर है। और यहाँ पर तो देखो लैग तो मेरे को भी फील नहीं होता। यहाँ उतरा, मेरे को गन मिली, लकली गन मिल गई यहाँ। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसी मेन बिल्डिंग में कम से कम 10 करोड़ होएगी और बाकी 10 करोड़ इधर उधर होएगी। तो लैंड हो रहा है, आपने राइट साइड में देखोगे पैराशूट से अभी लैंड हो रहा है भाई। बहुत सारे बंदे आए हुए हैं यहाँ तक कि बिना रोके फुटस्टेप्स आए जा रहे हैं, और गन की फाउंड से आप पता लगा ही सकते हो कि कितने बंदे आए हैं। और इसी बीच में कोई इतनी दिक्कत फेस नहीं हो रही, आप देख सकते हो स्मूथ 90 FPS में मैं खेल रहा हूँ भाई। अब मेरे पे दो बंदे रश कर देते हैं और भाई मैं बाहर तो जाता नहीं क्योंकि भाई मेरे नंबर 3 को अभी अभी निपटाया है उन्हीं बंदों ने। तो मैं यहाँ अंदर आ जाता हूँ और यहीं से फाइट लूँगा इनसे। तो आप फाइट इंजॉय करो अब आप। तो भाई जैसे ही मैं इन दो को निपटाता हूँ, मेरे को इन्होंने सांस लेने का मौका नहीं दिया और तब तक दूसरे बंदे और आ गए भाई। इतने में मैं रेडी भी नहीं था, मेरी दोनों गन लोड भी नहीं हुई थी, ये कोई आ गया। भाई इस बंदे में एक समझदारी थी, जब मैं फायर कर रहा था ना ये आया नहीं, मतलब जब मैं प्री फायर कर रहा था ना ये आया नहीं, इस समझदारी दिखाई इसे कवर में चले गया और तब ये बच गया और इसने मेरे को आसानी से निपटा दिया जब मेरी गन लोड पे आई। और ये देखो समझदार लोगों को भाई, मतलब यहाँ पर भी कौन सेफ खेलता है। तो भाई अब खेल तो रैंडम से आता था, एक बंदा साथ है वो भी निपट गया और दूसरा बंदा अलग उतरा। तो भाई अब दूसरा टेस्ट कर मैं दूसरी बार बूट कैंप में आया कि भाई आपको दिखाने के लिए कि क्या परफॉर्मेंस रहती है, कोई अप डाउन होती है नहीं होती। इस बार भी कम से कम 15 से 20 स्कोर आ रही थी, आप देख सकते हो चारों इतनी सारी स्कोर आ रही थी। मतलब भाई मैं तो देख के मेरे हक्का पक्का हो गया था, इतनी सारी स्कोर आ रही कैसे सर्वाइव होगा, गन तो मिलती नहीं है। गन मिली पर मेरे को यहाँ, और मैं मार किसको रहा था, मरा कौन। एक तो भाई बूट कैंप की ये खासियत है, मतलब भाई थर्ड पार्टी जहाँ पे तय है तुम एक कर निपटा के दूसरे में पीछे निपटा देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ से पेटे और तुम्हारी पेटी बन गई। मतलब इतने बंदे आते हैं ना यहाँ पे, या भी एक तुम्हारी अपनी स्क्वाड है तुम भाई सर्वाइव कर सकते हो, और कुछ निहत्ते बढ़ जाते हैं भाई। यहाँ पे मेरे को लकली गन मिली और दूसरी AKM लिया मैं, और यहाँ पे हीलिंग का तो कोई सामान नहीं था भाई। यहाँ से मैं सीधा नंबर 2 के पास गया, उस पर बंदा आया हुआ था। और भाई आपको बता दूँ यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा ना भाई मैक्स स्किन लेके बैठा है, इतने तो हाई रैंक वाले बंदों पर भी स्किन्स नहीं होगी जितनी इनके पास है बूट कैंप में। जितने स्कैनोक में आ जाते हैं जितने बंदे स्किन्स लेके, ये देखो नंबर 2 को भाई फेरर एक्स सूट लेकर बैठा है। भाई जैसे ही उस लेफ्ट वाले बंदे को बताया, एक ऊपर सीढ़ियों से बंदा आता है भाई, कहाँ से आ गया वो मुझे पता नहीं, शॉट गन थी उसके हाथ में, नंबर 2 को तो ले ही गया था वो। और मेरे को देखो 10 HP कर दे रहा, और इतनी देर में 3 बंदों ने रश कर दिया और मौली इतनी एक्यूरेट डाली भाई, एक्सूट वाले का तो भाई पेटी बना दी। तो मैं तो भाई पीछे जा रहा था, मेरे पे हीलिंग का कुछ नहीं था, मेरे को पता नहीं पेटी बना तय यहाँ पर क्योंकि हीलिंग का कुछ है नहीं, और मैं पीछे जाके हीलिंग का जुगाड़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं निकला, मेरे को लेफ्ट साइड पर फर्स्ट एड देखने को मिल गई। और भाई परफॉर्मेंस बता दूँ, परफॉर्मेंस मेरे को बड़ी OP देखने को मिल रही है, कोई लैग वगैरह देखने को मिल रहा, मतलब भाई मक्खन चल रहा है। यहाँ तक कि भाई ये सर्वाइव कर जाता 90 FPS में बूट कैंप में, थोड़ा बहुत FPS फ्लक्चुएट होता है। मैं बहुत जल्द FPS मीटर के साथ टेस्ट लाऊंगा, तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल के साथ बने रहो। और यहाँ पे देखना मेरे को ये बंदा दिखाई, देखो भाई मेरे से कैसे मिस हो गया ये बंदा, इसकी यहाँ HP बड़ी लो थी और भाई ये मेरे पे रश कर देता है, मैं इसको निपटा देता हूँ आसानी से यहाँ पर। और एक इसी के साथ भाई बूट कैंप खाली हो चुका है, चलो फिर एक और टेस्ट के लिए चलते हैं कि कैसी और परफॉर्मेंस रहती है।
भाई लास्ट टेस्ट कर रहा हूँ। और भाई इस मैच में मेरे को फेरल एक्सूट देखने को मिल गया, मतलब इसमें फेरल भी था, ब्लड रविन था और पॉइजन एड भी था, मतलब तीन एक्सूट थे इस मैच में। तो भाई मतलब सैंडअप में बहुत सारे एक्सूट, मतलब मैक्स स्किन वाले सारे प्लेयर आते रहते हैं। और इसी मैच में वो फनी मूवमेंट है, देखना मिस मत करना। तो मैं आपको बता दूं भाई परफॉर्मेंस तो मस्त है इसमें आई क्यू 6 में 90 FF में। अगर मॉन्स्टर मोड करते हो तब भी परफॉर्मेंस मस्त है, मॉन्स्टर मोड में तो और ओपी हो जाती है परफॉर्मेंस। अगर आप लेना चाहते हो गेमिंग के लिए तो भाई ले सकते हो, बस अपडेट मत करना। मैं भी अब तक एक भी अपडेट नहीं किया हूँ और बहुत जल्द मैं FPS मीटर का लाने वाला हूँ, मेरा जुगाड़ होने वाला पीसी का, फिर FPS मीटर ला के FPS पे टेस्ट करेंगे कि कितना फ्रेम ड्रॉप होता है। तो भाई और तो और मैं आपको बता दूँ, मैं चार पांच गेम इकट्ठे कर रहा हूँ, मेरे को कोई इतनी हीटिंग इशू देखने को मिले ना, कोई बैटरी ड्रॉप हुई, वही 30 मिनट में 50% वाला सीन है बैटरी का, कोई इतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रही, चाहे अल्ट्रा गेमर मोड में मॉन्स्टर मोड ऑन हो या फिर कुछ हो, भाई इतनी बैटरी ड्रॉप नहीं होती और लैग तो इतना देखने को मिलता, मतलब हैंडल कर लेते हैं भाई सिचुएशन। इससे तो आप पता लगा सकते हो कॉम्पिटिटिव के लिए भी ये बीस्ट फ़ोन है, मतलब बस अपडेट मत करना, यही सलाह दूंगा बार बार। तो यहाँ पे को गन मिली और मैंने इसको निपटाया बंदे को जो ऊपर आ था। एंड मैं आपको बता दूँ इसमें मुझे कोई टच इशू देखने को नहीं मिल रहे, हालांकि मैंने टेम्पर नहीं लगाया, अब टेम्पर भी बहुत जल्दी लगाऊंगा, मैं मैट टेम्पर लगाऊंगा या फिर ब्लू टेम्पर लगाऊंगा, फिर टेम्पर का टेस्ट करूंगा हैंड कैम के साथ। और भाई यहाँ पे इतना हल्ला मुक्की हो रही, मतलब भाई चारों तरफ से गोलियां गोलियां चली जा रही है, मतलब भाई तो इतनी थर्ड पार्टी होगी ना यहाँ पे, ये देखो मेरे को भी पता लगा, मैं 5-10 सेकंड के लिए ऊपर आऊँगा, 10 सेकंड भी 5 सेकंड के लिए ऊपर आया, इतने में मैं नोक हो गया। इससे आप पता लगा सकते हो यहाँ पे कितने सारे बंदे आए हुए हैं, भाई बहुत सारे बंदे आए हुए। और मैं नंबर 3 को यहाँ बुलाता हूँ, भाई आ जा, यहाँ सुन सकते हो नंबर 3 में पे आ जाता मैंने कहा। और भाई यहाँ पे ग्लेशियर देख रहे हो भाई, कितनी सारी स्किनें चमक रही है किल फील्ड में, यहाँ ऊपर देखो, मतलब भाई बहुत सारे बंदे आए हुए हैं यहाँ पे कसम से। अगर मैं यहाँ अपनी स्क्वाड होती ना यहाँ पे गेम प्ले लाता मैं, कोई बात नहीं, बहुत जल्द अपनी स्क्वाड ला के ना गेम प्ले लाएंगे भाई, सैंड ऑफ में बहुत मज़ा आता है खेलने में। यहाँ तो मतलब मेरे को अच्छे टीममेट वगैरह नहीं मिले जो साथ देने वाले, एक आधे मिले पर नंबर 3 यहाँ पे साथ दे गया। जैसे यहाँ रिवाइव हुआ उस बंदे को देखूंगा मैं अभी, जिसने मेरे को मारा ना उसको मैं भी ऐसे पीछे से मारूंगा, ये आप देखना, और वही वाला फनी मोमेंट होगा जिसमें ये वही बंदा रहा जिसमें मैंने फायर किया ना, इसने मुझे पीछे से मारा था। अब इसने नंबर 3 को नॉक कर दिया यहाँ पर, और मैं इसको जल्दी से रिवाइव करके ऊपर जाता हूँ और ऊपर ही मैच को दबाव चलूंगा भाई। अब इसको पता लगा असली थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी नहीं बस मेरे को दिख गया था ये, आप देखना भाई मुझे। और भाई वो आपने सुना होगा ना, जैसी करनी वैसी बनी, ये मेरे पे वही होने वाला है। देखो मैं इस पर अब इसको निपटाने जा रहा हूँ मैं, और ये देखो भाई देर मेरे को पीछे चपड़ गई, मतलब बहुत बंदे आए भाई, थर्ड पार्टी बहुत होती है कसम से यहाँ। और मेरे को हेलमेट अच्छा अभी तक नहीं मिलते, और इसके वर्कर सुनना भाई, इस पर भी ग्लेशियर मैक्स थी देख रहे, तो भाई कार्टर लोग कार्टर होएगा भाई जहाँ तक मुझे लगता है। और भाई मैंने ये कहा था क्यों भाई आ गया स्वाद है वे स्किन चमका रहा था ज़्यादा ही, जैसे मैंने इसको काटा बोला ना इसकी गंदी वाली किलिस गई, ये आपने सुना होगा कालिया कैसे दे रहा था, और भाई मैंने इसको जवाब उसी भाषा में दिया, फिर ये कुछ नहीं बोला, चुप हो गया, अपना एग्जिट कर दिया और इसका टीममेट शॉटगन से ले गया। तो भाई यही था वीडियो में, और भाई परफॉर्मेंस बता दो तो बहुत मस्त चली, मतलब भाई कोई इतना दिक्कत देखने को मिली। IQ Neo 6 बेस्ट फ़ोन है अगर अपडेट ना करो, और हाल ही में इसमें 5.05 GB का अपडेट आया हुआ है, भाई मैं तो करने वाला नहीं हूँ। कोई इतनी हीटिंग इशू नहीं है, कोई इतना लैग नहीं है, मक्खन परफॉर्मेंस है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाएगा वो मैं FPS मीटर जब लाऊंगा ना तब पता लग जाएगा कितना FPS डाउन जा रहा है इसमें, एंड टू एंड टेम्पर वाला भी लाऊंगा हैंड गेम के साथ। तो भाई यही था वीडियो में, होप्स आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो भाई सपोर्ट करते रहना। एंड टू एंड बता दूं भाई कोई गेम प्ले नहीं था, सिर्फ ये 90 FPS टेस्ट करने वाले थे कि बूट कैंप में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। अगर भाई गेम प्ले अगर देखते ना मेरे को अपनी स्क्वाड वगैरह देखनी होती, एक्टिव होती तो रात के टाइम खेलते हो ना इसलिए एक्टिव नहीं होती, तो भाई मैंने सोचा 90 FPS बूट कैंप का टेस्ट कर लेता हूँ। एंड 60 FPS टेस्ट लाना तो बता देना, एंड कोई और टेस्ट लाना तो बता देना, मैं जल्दी ले आऊँगा। तो भाई यही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और भाई लाइक करके जाना एंड नोटिफिकेशन ऑल कर देना बस। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help.